हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम डायलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, जो फोर्स हमने दो केसेस में कैलकुलेट किया था। और मैंने ये बताया था कि फोर्स कैसे अराइज होता है, तो ड्यू टू फ्रिंजिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि फ्रिंजिंग इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर दें तो फोर्स ऑन द डायलैक्ट्रिक स्लैब विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो। आई मीन यदि आप क्या करोगे, डायलैक्ट्रिक स्लैब को ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कभी मूव नहीं करेगा। तो हमने दो केसेस में फोर्सेस कैलकुलेट किया था। एक बार हमने ये कंसीडर किया था कि बैटरी क्या है, कनेक्टेड है, तो उस केस में हमने देखा था कि जो फोर्स आ रहा है वो क्या है, कॉन्स्टेंट आ रहा था, है ना। क्या फोर्स आ रहा था, कॉन्स्टेंट फोर्स आ रहा था। दूसरे केस में हमने देखा था कि हमने पहले क्या किया, बैटरी से चार्ज कर दिया कैपेसिटर को, और फिर क्या कर दिया, बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, और फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, डायलैक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर छोड़ रहे हैं। तो जब भी आप क्या करोगे, बैटरी को डिसकनेक्ट कर दोगे तो चार्ज होगा वो कैपेसिटर पर क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल ऑलवेज रिमेन क्या होगा, कॉन्स्टेंट, है ना। और जब हम डायलैक्ट्रिक स्लैब को अंदर रखते हैं तो C क्या होगा, आपका बढ़ेगा, तो V क्या होना चाहिए, क्योंकि Q इक्वल टू CV कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो वहाँ से हमने देखा था कि जब क्या होगा, बैटरी डिसकनेक्ट कर देंगे तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होता है डायलैक्ट्रिक स्लैब पे। यदि क्या होगा, बैटरी कनेक्टेड होगा तो फोर्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था इसी से रिलेटेड, आई मीन एच सी वर्मा में आप जाओगे तो लास्ट जो 4 to 5 क्वेश्चंस हैं केवल फोर्स से ही रिलेटेड है। तो आपको यदि अच्छे से फोर्स आता है तो उसमें कुछ नहीं करना है, NLM आई मीन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यूज करना है, आई मीन फ्री बॉडी डायग्राम डायलैक्ट्रिक स्लैब का रखो, लिखो, उसके बाद ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम लिखो, और फिर F इक्वल टू MA वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आप खुद से भी ट्राई करोगे तो लास्ट वाला जो 4 to 5 प्रॉब्लम है एच सी वर्मा का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, इस कैपेसिटर चैप्टर में सबसे लास्ट पॉइंट है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी तक हम क्या मानते थे कि जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज क्या होता है, कैपेसिटर पे क्या होता है, कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, है ना। आई मीन इंस्टेंटली क्या होता है, कैपेसिटर जो है क्या है, मैक्सिमम चार्ज वो क्या करता है, स्टोर कर लेता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आज हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ चार्ज। आई मीन देखोगे कि चार्ज जो ग्रोथ होता है वो इंस्टेंटली प्रोसेस नहीं होता है, स्लोली क्या होता है, कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, स्लोली क्या होता है, ग्रोथ होता है, और एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा। आज हम उस रिजल्ट को भी देखेंगे। तो चार्जिंग और ग्रोथ ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, आरसी सर्किट बोलते हैं। आरसी सर्किट का मतलब क्या हुआ कि वैसा सर्किट जिसमें क्या हो, केवल रेसिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, कैपेसिटर हो, और क्या हो, बैटरी हो, तो वैसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, आरसी सर्किट बोलते हैं। तो इसमें क्या किया गया, देखो एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है, और एक क्या है, बैटरी है। यहाँ हमने एक स्विच कंसीडर किया है। तो अब हमने क्या किया, T इक्वल टू 0 पे स्विच को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप स्विच कनेक्ट करोगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही आपने कनेक्ट किया, एक कंडक्टिंग प्लेट है तो इस पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हर जगह। तो ये पॉजिटिव प्लेट जो है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, इस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा, आई मीन E माइनस, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, ऐसे होगा। तो करंट का मूवमेंट क्या होगा, ऐसे होगा। तो इसलिए क्या होगा कि इस पे क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, डेवलप होगा, आई मीन बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि इसकी, क्योंकि चार्ज जो है, कोई भी कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट इज डिटरमिन बाई द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जितना कैपेसिटेंस होगा उतना ही क्या होगा, चार्ज हो, जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ही चार्ज कैपेसिटर जो होगा ज़्यादा स्टोर करेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो हमने मान लिया कि किसी टाइम कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, क्यू क्या है, चार्ज, आई मीन यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ है ना क्यू, यहाँ सी लिख दिया, और यहाँ क्या है, क्यू। तो ये क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट
एनी टाइम की। अब आप यदि लूप लॉ यूज करोगे तो देखो ये क्या है, लूप लॉ के अनुसार क्या मैंने बताया भी था कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ड्रॉप और राइज अक्रॉस इच करंट एलिमेंट विल बी इक्वल टू क्या होगा ईएमएफ ऑफ द अप्लाइड बैटरी। नहीं तो आप लिख सकते हो, तो देखो ये क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू क्या होगा, Vc प्लस क्या हो जाएगा, Vr हो जाएगा। नहीं आता है तो आप ए पॉइंट लिखो, बी लिखो, यहाँ सी लिखो और यहाँ क्या लिखो, डी लिखो। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Va माइनस Vb इक्वल टू क्या होगा, Q बाई सी। Vb करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू क्या हो जाएगा, ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होगा, ये पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखो ऐसे चले, तो यहां से हम चल रहे हैं ऐसे, आई मीन ऐसे यदि आप लूप लॉ यूज करोगे क्या है, तो हम लिख सकते हैं वी प्लस माइनस वी सी माइनस वी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। तो वी इक्वल टू क्या होगा, वी सी प्लस क्या हो जाएगा, वी आर। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि वी आर आई मीन वी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं। तो हम लिख सकते हैं देखो वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, और Vc क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ Vc, Vc का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा, C। और Vr इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, R। अब आप इक्वेशन वन में वैल्यू रखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या लिख सकते हैं, वन एंड इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन, तो इसमें वैल्यू रखोगे तो देखो तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी आई मीन क्या होगा, क्यू बाई सी प्लस क्या होगा, आई इंटू क्या होगा, आर। इसको हमने इक्वेशन थ्री मान लिया। अब आई इक्वल टू लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो नाउ हम लिख सकते हैं, नाउ आई आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि डी क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या होता है, करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन फोर, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड सॉरी इक्वेशन इक्वेशन थ्री एंड क्या होगा, एंड इक्वेशन फोर कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस क्या होगा, आर इंटू डी क्यू बाई क्या हो जाएगा, यही होगा, डी क्यू अपॉन क्या होगा, डी क्यू। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, क्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको दो तरह से सॉल्व करते हैं, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन हम ऐसे सिंपल हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखो आर से हम क्या करें, डिवाइड कर दे, तो हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर इक्वल टू क्यू अपॉन आर सी प्लस डी क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी टी। इसको एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डी क्यू अपॉन डी टी है ना, क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर माइनस क्या होगा, क्यू अपॉन क्या होगा, आर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी बाई आर अपॉन क्या होगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर सी हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, देखो डी क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर माइनस क्यू अपॉन क्या होगा, आर सी इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी। ठीक है, अब हम मुझे क्या करना है, Q कैलकुलेट करना है, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दे, तो डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, V माइनस आर माइनस क्या हो जाएगा, Q बाई क्या होगा, आर सी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन डी टी प्लस क्या हो जाएगा, C। हमने इक्वेशन इसको, अब देखो हम जानते हैं, मैं इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं बताता हूँ, देखो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन जो होगा क्या हो जाएगा, एल एन क्या होगा, एल एन वी अपॉन आर माइनस क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर सी। और हम क्या करेंगे, क्यू के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस, क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन क्या होगा,
माइनस वन अपॉन या वन अपॉन माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी प्लस क्या हो जाएगा सी, क्या है टी प्लस, इसको और आप सिंप्लीफाई करो तो लिख सकते हो माइनस आर सी एल एन वी अपॉन आर माइनस क्या लिखो क्यू अपॉन आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेशन फिट अब ये दिया हुआ है कि t इक्वल टू जीरो क्योंकि इनिशियली जो कैपेसिटर है वो क्या है अनचार्ज है, अनचार्ज कैपेसिटर है ना, उस पर चार्ज क्या है हो भी सकता है, चार्ज कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम कंडीशन यूज करेंगे कि एट क्या होगा सिंस इनिशियली, इनिशियल का मतलब क्या होगा t इक्वल टू जीरो, तो हम लिखेंगे सिंस सिंस एट क्या होगा एट टी इक्वल टू जीरो, क्यू क्या है जीरो है, तो देखो तो यहाँ वैल्यू रखो तो t इक्वल टू जीरो पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस आर सी एल एन क्या होगा वी अपॉन आर इक्वल टू सी हो जाएगा। नाउ लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा इक्वेशन फिफ्थ, देखो तो माइनस आर सी एल एन ठीक है वी अपॉन आर माइनस वी अपॉन सॉरी क्यू अपॉन क्या होगा आर सी, ठीक है। देखो सी को इधर लिखोगे तो क्या हो जाएगा इधर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर लिख सकते हैं सॉरी इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हम लिख सकते हैं आर सी एल एन क्या लिख सकते हैं वी अपॉन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से हम लिख सकते हैं देखो माइनस आर सी कॉमन ले लो तो लिख सकते हो एल एन क्या लिख सकते हो वी अपॉन आर माइनस क्यू अपॉन आर सी, ठीक है माइनस एल एन वी अपॉन क्या होगा आर और इक्वल टू यहां से हम ये भी लिख सकते हैं एल एन देखो इसको क्या लिख सकते हैं वन माइनस क्यू क्यू अपॉन, ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ डिवाइड करो तो क्यू आर आर कैंसिल हो जाएगा क्यू सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टी अपॉन क्या हो जाएगा आर सी, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं आप जब ध्यान से देखेंगे तो अब हम ये भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि e raise to क्या लिख सकते हैं वन माइनस क्यू अपॉन सी बी इज इक्वल टू क्या होगा e raise to माइनस t अपॉन क्या होगा आर सी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि q अपॉन सी बी इज इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे माइनस e raise to माइनस t अपॉन क्या लिखेंगे आर सी, तो q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सी वी इंटू क्या लिखेंगे वन माइनस टी के पाई माइनस टी अपॉन क्या लिखेंगे। तो यही क्या हुआ देखो चार्ज का जो क्या वेरिएशन है क्या चीज के साथ टाइम के साथ, आप देख रहे हो कि टाइम के साथ एज सून एज व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद बैटरी थ्रू ए रेजिस्टर्स देन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, कैसे इंक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या दिस इज, अब ये आप ध्यान से देखोगे ये क्या होगा q इक्वल टू मैं इसको q नॉट लिख रहा हूँ, q नॉट का मतलब क्या हुआ मैक्सिमम चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर, क्या होगा मैक्सिमम चार्ज स्टोर बाय द वन माइनस e के माइनस t अपॉन क्या होगा इसको टाउ लिख, ये क्या होगा देखो q इसको क्या बोलेंगे मैक्सिमम चार्ज चार्ज स्टोर बाय द क्या होगा बाय द कैपेसिटर, क्यू क्या है चार्ज चार्ज ऑन कैपेसिटर एट
एनी टाइम क्या है, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट। और यहाँ लिखेंगे टाउ इक्वल टू क्या होगा, आरस। कई बार इसका डायमेंशन पूछ दिया है एग्जाम, यदि आपको मालूम है, देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट e का जो एक्स आर्गुमेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो यदि ये टाइम का डायमेंशन है तो ये भी क्या होना चाहिए, टाइम का डायमेंशन। इसी को एक नाम दिया है कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट, इसको टाउ पढ़ते हैं, TAU। ठीक है, तो चार्ज जो है वो कैसे इंक्रीज करेगा, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू क्या लिखेंगे, 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन वेयर क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, देखो क्यू नॉट इक्वल टू सी वी एंड टा इक्वल टू क्या है, ठीक है। इसी को, इसको एक और नाम भी है, स्टेडी स्टेट चार्ज, स्टेडी स्टेट चार्ज, ठीक है। तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे यहां से, देखो क्यू वर्सेस, यहां आप क्या करोगे, क्यू वर्सेस, अब हम पहले ग्राफ बाद में, अब देखो क्या होगा, कैपेसिटर में तीन स्टेट होते हैं, एक इनिशियल स्टेट, स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट। तो इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होगा कि पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, इनिशियल क्या होगा, इनिशियल स्टेट क्या होगा, द स्टेट ऑफ कैपेसिटर एट टी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब देखो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो पे देखो कैपेसिटर क्या होगा, तो टी इक्वल टू जीरो क्या होगा, एट टी इक्वल टू जीरो है ना, क्या हो जाएगा, एट टी इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, एट टी इक्वल टू जीरो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नट इनटू, देखो इसमें वैल्यू रखो तो 1 माइनस ई के पावर माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। एक चीज याद रखना है कि एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट, क्या होगा, एट टी इक्वल टू जीरो और इनिशियल एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर बिहेव लाइक ए क्लोज स्विच, ठीक है, स्विच दैट इज क्या होगा, दैट इज एट टी इक्वल टू जीरो रिप्लेस कैपेसिटर, ऐसे सोचेंगे कैपेसिटर बाई ए क्लोज स्विच, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमेशा एच सी फॉर्म में दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। तो टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर, आई मीन टी, ऐसे सोचो कि टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर बहुत ही भूखा है ना, वो जैसे ही आप क्या करोगे, बैटरी को कनेक्ट करोगे तो खाने के लिए दौड़ रहा है ना, जैसे हम नहीं होता है कि कभी कभी हम बहुत भूखे होते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही खाना मिला वैसे ही हम क्या करते हैं, बहुत फास्ट खाते हैं। तो उसी तरह क्या है, कैपेसिटर का भी काम क्या है कि टी इक्वल टू जीरो इट विल बिहेव लाइक ए क्या होगा, शॉर्ट सर्किट और क्लोज स्विच, उस तरह बिहेव करता है। आई मीन क्या होगा, आपकी इनिशियल कंडीशन में क्या करना है, कैपेसिटर को क्लोज स्विच से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब एक होता है क्या कि एट ट्रांजिएंट स्टेट है ना, दो चीज पूछा जाएगा, तो इनिशियल स्टेट का मतलब क्या हुआ, द स्टेट ऑफ कैपेसिटर एट टी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट।
एंड एट टी इक्वल टू जीरो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा जीरो होगा एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर वी हैव लाइक ए क्लोज स्विच दैट इज एट टी इक्वल टू जीरो रिप्लेस कैपेसिटर बाय ए क्लोज स्विच. अब क्या होगा दूसरा जो स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट. आई मीन द स्टेट ऑफ कैपेसिटर क्या होगा द स्टेट ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर बिटवीन टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट. ठीक है इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं. आई मीन इस सिचुएशन में क्या होगा कि कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो क्या होगा पहले क्या होता है फास्ट ग्रोथ होता है और बाद में आप देखोगे अभी हम देखेंगे क्या होगा पहले जो होगा क्या होगा कैपेसिटर में चार्ज फास्ट ग्रोथ होगा और क्या होगा बाद में जो होगा क्या होगा स्लोली ग्रोथ होता है. आई मीन समझ सकते हो कि 5 टाउ के बाद क्या होता है 95% चार्ज जो होता है कैपेसिटर क्या करता है स्टोर कर लेता है और 5% चार्ज स्टोर करने में उसको इनफाइनाइट टाइम लगता है ये हम देखेंगे है ना. तो इसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं. और इस सिचुएशन में यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे देखो बाद में हम क्या करेंगे अब हम इसी स्टेट को ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या द स्टेट ऑफ कैपेसिटर बिटवीन टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट. इसके बाद एक आता है क्या कि स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट STADY स्टेडी स्टेट क्या होगा द स्टेट ऑफ कैपेसिटर द स्टेट ऑफ कैपेसिटर क्या होगा एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट. ठीक है इन दिस स्टेट क्या होगा इन दिस स्टेट द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज क्या होगा मैक्सिमम. आई मीन इस स्टेट में क्या होता है कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम चार्ज क्या करता है स्टोर कर लेता है. और एक पॉइंट यहाँ याद रखना है कि नोट में कि इन स्टेडी स्टेट और देखो इसमें तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एक तो स्टेडी स्टेट दिया रहेगा एक बोला जाएगा कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी और एक पूछा जाएगा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोज स्विच. तीन तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो हम लिखेंगे क्या कि इन स्टेडी स्टेट और एट क्या होगा एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी और आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच क्या होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच कैपेसिटर विल बी हैव लाइक ए ओपन स्विच क्या होगा इन स्टेडी स्टेट और एट टी इक्वल टू इनफिनिटी और आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच कैपेसिटर वी हैव लाइक ए ओपन स्विच क्या होगा ओपन स्विच की तरह बिहेव करें दैट इज क्या होगा रिप्लेस कैपेसिटर बाय
ये क्या होगा ओपन स्विच। बाई ए ओपन क्या करोगे स्टेडी स्टेट में। देखो यहाँ मैं दिखाता हूँ डायग्राम भी, यदि बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया और ठीक है वी है और एक है आर है और एक है सी। तो आपसे कोई पूछेगी ऐड, देखो ये किसी टाइम टी का डायग्राम है, क्या है देखो किसी टाइम टी यहाँ स्विच था ठीक है यस। तो एट एनी टाइम टी तो एक जो होगा क्या होगा कि एट टी इक्वल टू जीरो का मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये भी हो गया और ये क्या हो गया ठीक है। तो ये क्या है टी इक्वल टू जीरो का टी इक्वल टू जीरो का। तो हमने क्या किया कैपेसिटर कैपेसिटर ऐसे ही कैपेसिटर इज रिप्लेस रिप्लेस्ड बाय क्लोज स्विच क्लोज्ड स्विच। हमने क्या किया क्लोज स्विच से क्या किया कैपेसिटर को, ये टी इक्वल टू जीरो की बात है। और यदि आप यहाँ डायग्राम ड्रॉ करोगे देखो आई इक्वल टू क्या होगा जीरो, क्या होगा यहाँ कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय ओपन स्विच ठीक है। ये कब का बात है एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, ये क्या होगा इनिशियल स्टेट और ये क्या है स्टेडी स्टेट। तो इस तरह हम क्या करते हैं सर्किट प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको जब भी स्टेडी स्टेट दिया रहेगा तो कैपेसिटर को सर्किट से रिमूव कर दो। यदि इनिशियल स्टेट दिया हुआ है टी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो सर्किट को क्या करना है, यही मैंने यहाँ लिखा है कि इन स्टेडी स्टेट और एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी और आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच कैपेसिटर वी हैव लाइक ए ओपन एन ओपन स्विच है ना एन ओपन स्विच दैट इज रिप्लेस कैपेसिटर बाई ए ओपन स्विच। तो ये बिहेवियर है, ये किसी टाइम टी का बिहेवियर है, ये t इक्वल टू इन्फिनिटी का बिहेवियर है कैपेसिटर का और ये क्या है t इक्वल टू जीरो का बिहेवियर है। अब आप जब इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे क्या है अब एक और हम पॉइंट अब देखो यहां से हम लिख लें कि तो देखना यहाँ क्या होगा t इक्वल टू जीरो पे करंट जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं कि एट एट t इक्वल टू क्या होगा टाउ t इक्वल टू आर सी ठीक है। कुछ पॉइंट लिख लेते हैं तो देखो q इज इक्वल टू क्या होगा q इज इक्वल टू q नट इनटू क्या होगा 1 माइनस e के पावर माइनस t अपॉन क्या लिखेंगे t टाउ अपॉन टाउ इज इक्वल टू क्या होगा q नट इनटू क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आता है 0.63 क्यूनट ऐसे लिख सकते हो 0.63 आरसी। तो आप देख सकते हो कि वन टाइम कांस्टेंट के बाद t इक्वल टू टाउ के बाद कैपेसिटर कितना परसेंट आप देख सकते हो यहाँ 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज को क्या करता है वो स्टोर कर लेता है। यही क्या हुआ मैक्सिमम चार्ज कितने टाइम कांस्टेंट के बाद एक टाइम कांस्टेंट के बाद t इक्वल टू टाउ के बाद कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर ले रहा है 63%। तो 4-5 टाउ के बाद क्या होता है पूरा चार्ज स्टोर कर लेता है लेकिन पूरा कितना 95% और 5% चार्ज स्टोर करने के लिए हम सोचते हैं कि क्या है इनफाइनाइट टाइम लगता है ठीक है। अब हम तो उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि तो इसलिए क्या होगा इनिशियली चार्ज कैपेसिटर स्टोर चार्ज वेरी फास्ट एंड आफ्टर सम टाइम्स द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर या ग्रोथ ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर क्या हो रहा है बिकम स्लो। तो इनिशियल में क्या होता है चार्ज जो होगा वो क्या होगा फास्ट स्टोर करेगा और बाद में क्या होगा चार्ज जो होगा वो क्या होगा स्लो स्टोर करने लगता है ठीक है।
तो अब हम लिखें क्या कि अब ये पूछा जाए कितने टाइम के बाद जो कैपेसिटर होगा वो क्या करेगा, चार्ज कितना स्टोर करेगा, 50% चार्ज स्टोर कर लेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो, तो I mean Q इक्वल टू क्या, Q नट बाई क्या होगा, टू, यही हुआ ना 50%। देन हम लिख सकते हैं, देन यहाँ लिख सकते हैं क्या होगा, Q नट बाई टू इक्वल टू क्या होगा, Q नट इंटू 1 - e^-t अपॉन क्या होगा, अट्ठा, ये कैंसिल हो गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 1 - t अपॉन टाउ इक्वल टू 1 - 1/2 लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो e^(t) अपॉन टाउ इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं t इक्वल टू क्या, लिख सकते हैं t इक्वल टू टाउ इंटू क्या होगा, ln t, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि t इक्वल टू RC ln 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो, तो 0.693 इतने टाइम के बाद क्या होगा, कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टाइम के बाद 25% चार्ज स्टोर होगा, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू नट अपॉन क्या होगा 4, यही 25% हुआ ना। देन देखो यहाँ से, देन क्या लिख सकते हो, क्यू नट बाई 4 इक्वल टू क्यू नट इंटू क्या लिख सकते हो, 1 - e^-t अपॉन क्या लिख सकते हो, टाउ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो e^-t अपॉन टाउ इक्वल टू 1 - 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 1/4 इक्वल टू 3/4। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ लिख सकते हैं देखो कि e^(t) अपॉन टाउ इक्वल टू क्या होगा, 4/3। तो हम लिख सकते हैं ln 4/3 इक्वल टू टी अपॉन टाउ, तो टी इक्वल टू क्या होगा, RC ln 4/3 क्या हो जाएगा, तो इतने 4/3 का भी आप वैल्यू लिख सकते हो। इतने टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होगा, कितना कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा, 25%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि चार्ज इतना है तो आप बताओ कि स्टोर कितना, मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर करेगा, CV, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। अब यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें, देखो ध्यान से, अब यहाँ क्या है, ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यू वर्सेस क्या है, टी। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस नेचर का होता है। ठीक है, यही क्या होगा, देखो यही क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट, और दिस इज नथिंग बट द फाइनल। ठीक है, स्टेडी स्टेट। तो यहाँ क्या होता है, क्यूनट चार्ज स्टोर हो जाता है, और यहाँ देखोगे अभी हमने देखा था कि 50% जो चार्ज होगा वो कितने टाइम के बाद होगा, तो आप देख सकते हो 50% यही होगा, ये ऐसे पैरेलल ड्रॉ करो तो आई थिंक 50% यही हो सकता। तो ये कितने टाइम के बाद हुआ, टी इक्वल टू RC ln 2 यही हुआ है, और 63% जो चार्ज है वो क्या है, यहाँ हो रहा है टी इक्वल टू RC। ठीक है, और यहाँ टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, इधर क्या है क्यू, और इधर क्या है, तो यहाँ क्या है क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ। इसके बाद हम आपसे कोई पूछ सकता है कि अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हम डिस्कस करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आता ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कैपेसिटर में सोचो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्यू वर्सेस क्या है टाइम, आई मीन चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो ये क्या लिखा मैंने, ln 2, और इधर हमने टाइम। अब आपसे पूछा जाएगा कि
वीसी कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्लेट सब। तो इसको हमने क्या लिखा, वीसी, वीसी इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, सी, यही होगा। अब देखो वीसी इक्वल टू क्यू का वैल्यू तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू नट अपॉन सी इंटू क्या होगा, वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन क्या होगा टा। तो आप देख सकते हो वी सी इज इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू, क्योंकि क्यू का वैल्यू रखो सी वी, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन क्या हो जाएगा। तो पोटेंशियल इनिशियली क्या होगा, पोटेंशियल जो ग्रोथ होगा, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द क्या होगा, यही क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। और ये क्या है, ईएमएफ ऑफ द क्या है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब क्या होगा, देखो आप ऐसे सोच सकते हो कि मैक्सिमम जो होगा, देखो क्या होगा, यही होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन स्टेडी स्टेट द करंट जो, करंट जो होगा क्या हो जाएगा, करंट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है वही क्या होगा, कैपेसिटर के क्या हो जाएगा, पैरेलल क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के पैरेलल क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ आप इसका भी ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो इधर हमने वी सी अगेन इधर टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज। सिमिलर सिचुएशन, आई मीन ये आप यदि टी इक्वल टू टाव लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.63 V। और ये क्या हो जाएगा, तो इन स्टेडी स्टेट क्या होगा, नोड में क्या होगा, इन द स्टेडी स्टेट एनर्जी स्टोर्ड, आई मीन सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर विल बी क्या होगा, विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद अब टाइम कांस्टेंट का इंपॉर्टेंट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर। देखो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी स्टोर बाय द क्या होगा, बाय द कैपेसिटर। तो U is equal to क्या होगा, 1/2 क्या हो जाएगा, VC square, CVC square और लिख सकते हैं 1/2 Q square upon क्या हो जाएगा, यही होगा ना, ऐसे भी लिख सकते हैं Q VC by क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज करके एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो एनर्जी इक्वल टू, क्योंकि अपने को चार्ज मांग में, तो 1/2 लिख सकते हैं 2C, क्यू का वैल्यू रखो तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, देखो क्यू नेट इंटू 1 - e^-t अपॉन क्या होगा, टाउ द होल स्क्वायर, यही होगा। अब क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 क्यू नेट स्क्वायर इंटू 1 - e^-t अपॉन क्या होगा, टाउ द होल स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, अब आप इसको देखो, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट एनर्जी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू इक्वल टू क्या होगा, यूनिट 1 - e^-t अपॉन क्या हो जाएगा, टाउ। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसी को, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम एनर्जी,
मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड स्टोर्ड बाय द क्या होगा बाय द और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन स्टेडी स्टेट ठीक है और दिस इज नथिंग बट द एनर्जी स्टोर्ड इन टाइम टी। इसका भी ग्राफ पूछा जाए तो सिमिलर किसी टाइप का होगा क्या होगा इसी नेचर का होगा तो आप देख सकते हैं तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसी टाइप का कुछ होगा ऑप्शन से भी जा सकते हैं देखो t इक्वल टू जीरो पे जीरो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा तो कुछ इसी नेचर का क्या होगा ग्राफ होगा है ना तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि सब ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है तो आप यदि ग्राफ दिया है तो बेटर क्या है ऑप्शन से जाओ तो यहाँ भी जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप कुछ इसी नेचर का क्या होगा ग्राफ होगा यही क्या होगा यू नट और तो हम लिख सकते हैं कि यू इज इक्वल टू यू नट इन टू वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ द होल स्क्वायर ठीक है कभी कभी ये पूछा गया कि रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू द कैपेसिटर का ग्राफ ड्रॉ करो कभी पूछा गया है तो हम पहले यहाँ लिख रहे हैं यू वर्सेस क्या है आई मीन एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस टाइम ग्राफ ठीक है तीसरा जो इसमें अगला जो पॉइंट है यहाँ दिया गया रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रेट का मतलब क्या हुआ कि इसको हम पावर ही बोलते हैं P इक्वल टू क्या होगा डी यू अपॉन क्या होगा डी टी उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा देखो कि टू यू है ना मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ या चलो डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ कि यूनिट डी ऑफ वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ द होल स्क्वायर डी टी ठीक है इसको जब सिंप्लीफाई करोगे देखो मैं इतना पॉइंट जरूर बता देता हूँ कि तुम कोई भी बुक सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो P इज इक्वल टू क्या होगा यूनिट इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा पावर फॉर्मूला तो टू यूनिट इंटू क्या होगा वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू डी ऑफ क्या हो जाएगा वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ ये चेन रूल मैंने यूज किया तो P इज इक्वल टू टू इंटू क्या होगा देखो ध्यान से इसको वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा ये तो जीरो हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आई मीन टाउ e रेज टू माइनस टी अपॉन क्या हो जाएगा टाउ ठीक है तो आप P इज इक्वल टू लिखोगे तो देखो क्या होगा टू टाव इंटू क्या हो जाएगा वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाव इंटू ई के पावर माइनस टी ठीक है अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो P एज ए फंक्शन ऑफ टी इसको आप मैक्सिमम पावर बोल सकते हैं या देखो तो टू यूनिट क्या होगा टाव लिखना चाहिए ना सॉरी टाव इसको ऐसे लिखो ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाव माइनस ई रेज टू माइनस टू टी अपॉन क्या हुआ
अब कभी कभी क्या है, इसका भी ग्राफ पूछ दिया है, ठीक है, इसका ग्राफ भी क्या है, देखो t इक्वल टू जीरो, अब ये कहीं मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मिनिमम आप यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्या होगा, ये कहीं मैक्सिमम होगा, तो कभी कभी भी क्या है पूछा गया है, इसका मतलब ये मैक्सिमम कहाँ होगा, ये हम देख सकते हैं, ये नहीं है, यही क्या होगा मैक्सिमम पावर, तो पी t इक्वल टू क्या होगा पीनट, है ना, आई मीन टू क्या होगा पीनट, हमने कुछ गलत तो नहीं किया है ना, नहीं ठीक है, ठीक है, इसको हमने टोटल को क्या लिख दिया पीनट इंटू क्या होगा ई के पावर माइनस टी अपॉन टा माइनस ई के पावर माइनस टू टी अपॉन क्या होगा, तो कभी कभी इसका भी क्या है ग्राफ पूछा गया है, ठीक है, तो इसका जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो देखो कैसे आएगा, अब आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपको यदि लग रहा है तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या है, इसको एक बार हम डिफरेंशिएट कर दें, तो हम लिख सकते हैं देखो फॉर क्या होगा, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड क्या होगा एंड मिनिमा, मिनिमा ऑफ पी ऑफ टी डी पी अपॉन डी टी क्या होगा जीरो होगा ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो देखो तो डी पीनट कॉमन ले लो, तो डी ऑफ क्या हो जाएगा डी ऑफ ई रेस टू माइनस टी अपॉन टा माइनस ई रेस टू माइनस टू टी अपॉन टा डी टी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो पीनट, अब डिफरेंशिएट करते जाओ यार, ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे देखो माइनस टाव ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाव, नहीं हमने गलत लिख दिया, माइनस माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा टाव, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस टू अपॉन टाव ई रेस टू माइनस टू टी अपॉन क्या होगा टाव इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, ये लिख सकते हो देखो ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाव इज इक्वल टू क्या होगा 2 e raise to minus 2t upon क्या हो जाएगा tau, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इधर लाओ तो e raise to t upon tau equal to क्या हो जाएगा 2, इसको इधर ले जाओगे तो यहां से देखो कि क्या होगा कि t equal to tau ln 2 पे जो पावर होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, आई मीन ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जब क्या होगा 50% एनर्जी जब कैपेसिटर स्टोर कर लेगा उस सिचुएशन में रेट एट विच द एनर्जी इज बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा, तो आप आसानी से इसको भी क्या कर सकते हो सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे, यहाँ हमने टाइम लिख दिया टाइम और यहाँ क्या लिख दिया इक्वल टू डी अपॉन हमने डी टी, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कुछ क्या होगा इस सिचुएशन में, यही क्या होगा टी इक्वल टू आर सी एल एन क्या मिला और यही पी ऑफ टी ये भी क्या होगा, ठीक है, तो कभी कभी क्या है ये भी ग्राफ पूछा गया है, तो ये किसका ग्राफ हुआ पी ऑफ टी इक्वल टू पी नट ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ माइनस ई रेस टू माइनस टू टी अपॉन क्या है टाउ का क्या होगा ग्राफ, ठीक है, जस्ट सेमेटिकल नहीं हुआ लेकिन ऑप्शन से आप जा सकते हो, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे भी जीरो है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी क्या होगा वो जीरो होगा, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसके बाद अभी बहुत पॉइंट्स हैं, फिर हम आएंगे आरसी टाइम कांस्टेंट क्या है, अब हम क्या करें करंट क्या अगर आप ड्रॉ करेंगे, तो अब हम लिखेंगे क्या अगला पॉइंट क्या होगा इसमें कि करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या होगा, अगला जो पॉइंट होगा करंट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, आई मीन नीचे थोड़ा लिख देता हूं, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एट एनी टाइम क्या होगा एनी टाइम
तो करंट कितना होगा, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं आई एज ए फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू नट कॉमन ले लो तो हम लिख सकते हैं वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे देखो तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टी कितना हो जाएगा, क्या होगा क्यू नट अपॉन टाउ ई के पावर क्या होगा माइनस टी अपॉन क्या हो जाएगा। आप क्यू नट का वैल्यू रखो तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टी क्यू नट का वैल्यू रखो क्यू नट वी इंटू सी और टाउ का वैल्यू आर सी, तो क्या हो जाएगा वन माइनस ई सॉरी ई के पावर क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस टी अपॉन क्या हो जाएगा। तो यहाँ आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, देखो आई इज एज ए फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा वी अपॉन आर इंटू क्या हो जाएगा ई माइनस टी अपॉन क्या हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यही क्या हुआ दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा इनिशियल स्टेट में ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनिशियल स्टेट आई मीन मैक्सिमम करंट। इसको हम आई नट लिख लेते हैं, इसको आई नट मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं आई एज ए फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा आई नट ई के पावर माइनस टी अपॉन क्या हो जाएगा। तो ये ग्राफ आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ आप ड्रॉ करोगे देखो इसमें आई एज ए फंक्शन ऑफ टी और इधर हमने क्या लिखा टाइम, ठीक है। अब जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे यही क्या होगा मैक्सिमम जीरो कॉमा क्या होगा आई नट और आई नट इक्वल टू लिख देता हूं क्या वी बाई क्या होगा आर, ठीक है। और ये क्या होगा I is directly proportional to e के पावर माइनस टी अपॉन क्या होगा, तो करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियली क्या होगा डिक्रीज होगा। तो I वर्सेस t अब देख सकते हो कि कितने टाइम के बाद 50% होगा, तो तुम आसानी से यहाँ से भी देख सकते हो कि कैलकुलेट करोगे तो t इक्वल टू टाउ आर आई मीन ln 2p क्या हो जाएगा 0.50 आई नट, ठीक है। इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा 50% क्या हो जाएगा चार्ज क्या हो जाएगा सॉरी करंट क्या हो जाएगा देखियो। तो करंट कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ से देखो कि यदि आप लिखोगे एल एन आई एज ए फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो एल एन आई नट माइनस क्या लिख सकते हो टी अपॉन टाउ। तो ये जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो एक और ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से कि टाइम और एल एन आई। तो जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा देखो टी इक्वल टू जीरो पे तो ये ग्राफ क्या होगा ऐसे होगा, टी इक्वल टू जीरो पे कितना हो जाएगा जीरो कॉमा एल एन आई नट और ये कितना हो जाएगा टी इक्वल टू टाउ एल एन आई नट। ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। इसके स्लोप से क्या मिलेगा इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देगा आई मीन यही क्या होगा थीटा मान लें तो स्लोप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन आरस। तो ये किसका ग्राफ है आई मीन आई वर्सेस क्या है आई वर्सेस टी का क्या हुआ ग्राफ। अब इसके बाद आप वी वर्सेस क्या है वी आर आई मीन वोल्टेज के क्रॉस क्या होगा क्या होगा रजिस्टर एक और ग्राफ मैं बता देता हूँ फिर इसके बाद हम इससे न्यूमेरिकल जो होगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ अब स्लोप से क्या मिला देखो टाइम कॉन्स्टेंट मिल गया। इसके बाद एक है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा ड्रॉप अक्रॉस देखो तो वी आर
वी आर इक्वल टू क्या होगा आई इंटू क्या होगा आर, तो वी आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं वी, ठीक है, इंटू ई रेस टू माइनस टी अपॉन क्या लिखें, तो अगेन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो लिखोगे यहां हमने क्या लिखा वी आर और यहाँ टाइम कंसीडर कर लिया, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे, ठीक है, यही क्या हो गया जीरो कॉमा वी, और टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर क्या होता है क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है, तो जैसे ही क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा दो बैटरी के बैटरी का ईएमएफ होगा वही क्या होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या हो जाएगा अपीयर हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे ही देख सकते हो, तो यहाँ वी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू माइनस टी अपॉन क्या है, तो यहाँ वी आर वर्सेस क्या है टाइम, ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, दो क्लास हम इसी को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगा तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, डिफरेंट टाइप के जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं सबको हम क्या करेंगे डिस्कस देखेंगे कि आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहाँ भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलेगा, क्योंकि आरसी सर्किट का मतलब क्या हुआ रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस कहाँ होता है करंट चैप्टर में ही आपको मिलेगा, तो वहाँ भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।